सर इधर देखो, आवाज़ नहीं बेटे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है बेटे, वो किया है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। भाई चाय पियेंगे? नहीं भाई, एक कप हो। आ जाओ बेटे, प्लीज़ सबके सब इधर देखिए बेटे। हमने जो डिस्कस किया है, हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल्स टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल्स टू सी टू। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमने जो किया है वो हमने अभी तक इनको सॉल्व करना सीखा है, सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये बस। तो सॉल्व हमने तीन मेथड से किया था। पहला हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हमने किया एलिमिनेशन मेथड, एंड फिर लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही अच्छा सा फार्मूला ड्राइव किया था खुद ही, और फिर हमने उसको यूज़ किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटे, ये हमने किया था। और आपसे क्या कहा था, प्लीज़ इधर, हमने आपसे कहा था एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, नॉट 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, और एक्सरसाइज 3.7, इन सब में से तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे करने के लिए कहा था, और इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 7 का है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ये 3.6 है। हम उम्मीद करते हैं कि 99% प्रोबेबिलिटी होता है एक क्वेश्चन आपसे इस एक्सरसाइज से पूछे, 99% चांसेस सॉल्यूशन के इस अकेली एक्सरसाइज से। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास कोई डाउट है तो ये पूछ लीजिए। ठीक है, अदरवाइज मुझे कुछ नया सा टॉपिक स्टार्ट करना है जो आप सब बच्चों को समझ में भी आएगा, फिर इसके डाउट्स बताएंगे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये, तैयार हो जाइए बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स हैं अभी। उम्मीद ये कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह आपकी 2 आवर्स की क्लास हो जाएगी। ठीक है, डेली आपकी क्लास होगी मैथ्स और साइंस की। साइंस की नहीं हो पाएगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैथ्स की तो होनी होनी। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, स्पेशली गर्ल्स पेरेंट्स से पूछ लीजिए, इज़ इट पॉसिबल 6 to 7, 7 to 8। 6 to 7 तो आपकी रेगुलर क्लास होती ही होती है, 7 to 8 जो है आपकी जिस दिन नहीं होगी, जैसा आज, आज क्या दिन है, वेडनेसडे, तो MWF में हमारी क्लास होती है 6 to 7, तो आज तो ये 6 to 7 हो जाएगी, बट नेक्स्ट डे आपकी 6 to 7 साइंस होगी, तो आई विल टेक द क्लास TTS में 7 to 8, तो आपके लिए फिजिबल है या नहीं ये एक बात सोच लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपकी साइंस की हो जाएगी, तो मैं भी इससे पहले 5 to 6, तो वैसे कल मैं इंशाल्लाह डिसाइड करूँगा टाइम टेबल कि हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, बिकॉज एग्ज़ाम्स हैं, चैप्टर 3-4 आ रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए अच्छे से। मज़ा तभी है जिस वजह से आप यहाँ आए हो, वो फुलफ़िल हो, और वो क्या है, हैं जी, बड़े से मार्क्स हैं। और मेरी तो कोशिश बस एक ही होती है कि आपको अपनी क्लास में 2 ही ट्राई करने हैं, या तो आपके हाईएस्ट मार्क्स आएँ कितने, या फिर फुल आएँ, इसके अलावा ना आए, चॉइस इज़ योर्स। बात समझ में आ गई सर? या तो आप ट्राई करेंगे कि आई एम हाईएस्ट, चाहे वो कहीं भी हो, या फिर क्लियर है। चलिए, अब मैं छोटा सा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, 2 ही क्वेश्चन आपके उसमें चैप्टर में हैं, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ देखो बेटे, आपके पास क्या है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, सब बच्चों को समझ में भी आएगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल्स टू सी वन। हमने ये कहा था बेटे, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आप लोगों ने 9th में किया भी था, जिन बच्चों ने इस बार नहीं किया। दूसरी इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल्स टू सी टू, तो इसके लिए फिर एक और लाइन आएगी। इफ़ वी हैव 2 इक्वेशंस तो वी हैव 2 लाइन्स, एंड फॉर 2 लाइन्स वी हैव 3 सिचुएशंस। 2 लाइन्स के लिए 3 सिचुएशन क्या हो सकती है, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, फिर ये भी हो सकता है कि नहीं इंटरसेक्टिंग नहीं है, दे आर पैरेलल, तो लाइन्स आर पैरेलल, मे बी पॉसिबल कि दोनों लाइन सेम हों, दे आर ओवरलैपिंग, को इंसिडेंट। ठीक है सर, अब जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि सिस्टम को सॉल्व करो, एक इक्वेशन को नहीं कहते हम, या सिस्टम मीन्स पेयर ऑफ इक्वेशन, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए कहते हैं। सॉल्व मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई,
अब आपको क्या मालूम है, द पॉइंट लाई ऑन द लाइन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट लाइन, यस और नो? जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सिस्टम के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। मुझे ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों का कॉमन हो, तो यहाँ तो पॉसिबल है। व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग दैट मींस देयर इज ए सिंगल कॉमन पॉइंट व्हिच इज व्हिच लाई ऑन बोथ द लाइंस, इसका मतलब व्हिच इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट होता है, तो इस केस को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? लेकिन बेटे अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हैं तो जो पॉइंट यहाँ है बेटे वो यहाँ नहीं है और जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, इट मीन्स सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। इंडिविजुअल लाइंस के तो सॉल्यूशंस हैं लेकिन पूरे सिस्टम के सॉल्यूशन नहीं है, तो आप क्या कहोगे? नो सॉल्यूशन। और अगर आपके पास दोनों लाइंस ओवरलैपिंग हो गई, दोनों सेम लाइन है, तो जो भी पॉइंट लाई कर रहा है वो दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, और एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। इन दैट केस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई बेटे? अब होता क्या है, ग्राफ से तो पता चल जाएगा, आपने दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया कि कौन सा यूनिक है, कौन सा पैरेलल है, नो सॉल्यूशन है, कौन सा मैनी सॉल्यूशन। एलजेब्रिकली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी है, हम क्या करेंगे, हम इनके कॉफिशेंट्स जो होते हैं, एक्स का कॉफिशेंट, वाई का कॉफिशेंट और कॉन्स्टेंट, उनका रेशो निकालते हैं, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू, ये रेशो निकालते हैं। पहले दो जो है हमारे पास ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू को अगर आप कंपेयर करोगे, क्या करोगे? कंपेयर। तो एक ही चीज़ हो सकती है, या तो इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो अगर इक्वल नहीं है तब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। इफ़ ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू देन सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन। अगर ये दोनों इक्वल आ गए बेटे, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, फिर आप इसको कंपेयर करो थर्ड से कि ये थर्ड के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है देन लाइन्स आर पैरेलल, फर्स्ट टू आर इक्वल बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, लाइन्स विल बी पैरेलल, ठीक है। एंड थर्ड, अगर ये तीनों ही इक्वल आ गए, ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, तब हम कहते हैं सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, व्हेन सिस्टम हैज सॉल्यूशन, अगर सिस्टम के पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन दो केसेस में है, या तो यूनिक सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन, तो उस सिस्टम को कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, कि इन दोनों में कुछ कंसिस्टेंसी है, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो आप इसको क्या कहोगे? कंसिस्टेंट। क्योंकि बेटे एग्जाम्स के अंदर ना टर्म्स घुमाता है, अब यूनिक सॉल्यूशन का तो पता है, कंसिस्टेंट का नहीं पता, तो आपके टर्म्स पता होनी चाहिए, या इंटरसेक्टिंग लाइंस का नहीं पता, आपको भी क्वेश्चन देगा, आपसे कहेगा लाइंस आर इंटरसेक्टिंग फाइंड के व्हाटएवर, जो भी क्वेश्चन आएगा, तो फिर टर्म्स ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इसे? कंसिस्टेंट सिस्टम। इसे क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट, देयर इज नो कंसिस्टेंसी। और ये भी कंसिस्टेंट है, तो प्लीज़ अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अब मैं इस पर कुछ छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, दो ही क्वेश्चन आपके इसमें दिए हैं, आपके चैप्टर में बेटे ओनली टू क्वेश्चन आर गिवन।